Subscribers and my dear friends today I am giving to you lesson 2 control and coordination for class 10th Okay so now note down all these questions if you have prepared all these questions it means full chapter will cover by you and no problem will be there so, question number one define coordination, mention its type. Question number two What types of coordination are present in plant and human? Question number three What are phytohormones? Mention its type with function. Question number four What is tropism? mention its type with example phototropism hydrotropism chemotropism geotropism and sismonastic movement or thigmotropism now question number five what is vernalization and फोटोपीरियोडिज्म क्वेश्चन नंबर सिक्स क्लासिफाई द ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्वेश्चन नंबर सेवेन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर नाइन ड्रॉए डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन मेंशन इट्स पार्ट विद फंक्शन तो क्वेश्चन नंबर नाइन जो है हम देख रहे हैं ड्रॉ ए ऑफ ह्यूमन ब्रेन मेंशन इट्स पार्ट विद फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड में ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता है वॉट इज रिफ्लेक्स एक्शन एक्सप्लेन

नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क मेंशन इट्स कंपोनेंट रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट बताइए जैसे कि हमें मालूम है रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट फाइव होते हैं नंबर वन स्किन नंबर टू सेंसरी नर्व नंबर थ्री स्पाइनल कॉर्ड नंबर फोर मोटर नर्व एंड नंबर फाइव स्ट्राइट मसल्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन endocrine and exocrine gland with example next question write down the characteristics of hormone okay next question distinguish between hormone and enzyme next question why pituitary gland is known as master gland next question write down the name of hormone secreted by pituitary ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन बताइए एक्चुअली पिट्यूटरी हैज़ थ्री लोब सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन राइट डाउन द नेम ऑफ हार्मोन सिगरेट बाय पिट्यूटरी एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन निकलते हैं ये बताने हैं मिड लोब से कौन सा हारमोन निकलेगा और पोस्टीरियर लोब से कौन सा हारमोन निकलेगा ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन द नेम ऑफ सिक्रिटिंग हॉर्मोन विद फंक्शन बाई फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंडस देखें नंबर वन थायराइड नंबर टू पैराथायराइड नंबर थ्री पेनक्रियास नंबर फोर एड्रिनल नेक्स्ट टेस्टीज नेक्स्ट ओवरी इनसे निकलने वाले हारमोन के फंक्शन बताने हैं और एक ग्लैंड इसमें रह गई थाइमस 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 ग्लैंड नेक्स्ट राइट डाउन द कॉज ऑफ फॉलोइंग डिजेज़ ये कुछ एंडोक्राइनल बीमारियां हैं जिनके कॉज बताने हैं जैसे नंबर वन ड्रोफिज्म ड्रोफिज्म जिसे हम बोनापन कहते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ एस टी एच हॉर्मोन एस टी एच ग्रोथ हॉर्मोन का कम सिक्रीट होने से डॉफिज्म हो जाती है जेंटिज्म हाइपर सिक्रीशन ऑफ एस टी एच एस टी एच यानी ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीट होने पर जेंटिज्म हो जाती है ऑस्टियोमलेशिया हाइपो सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि थायराइड से निकलता है उसके कम सिक्रीशन होने पर हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है इसी बीमारी को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैरथॉर्मोन पैरथारमोन के ज़्यादा सिकरीट होने पर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है जिसमें हम देखते हैं हड्डियों में छोटे छोटे होल हो जाते हैं हड्डियाँ जो बोन्स जो होती हैं वो फ्रेग्राइल हो जाती है कमजोर हो जाती हैं और जरा से फिसलने पर ही हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाते हैं नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे शुगर कहते हैं ये होती है हाइपो ऑफ इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन के कम सिक्रेट होने पर डायबिटीज़ मेलाइटस होगी जिसमें चीनी खाने को मना किया जाता है सेकेंड टाइप की डायबिटीज़ है डायबिटीज़ इनसीपीडस ये होती है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच यानी एंटी डाई हार्मोन हॉर्मोन की कमी की वजह से जिसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और चीनी खाने को मना नहीं किया जाता इस इन इसमें सिम्टम्स होते हैं कि बार बार यूरिन ज़्यादा आता है प्यास ज़्यादा लगती है डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं लास्ट बीमारी है ग्वाइटर जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन या फिर नील सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हम जानते हैं कि जब ग्वाइटर होती है तो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है और गले में जो जो थाइराइड ग्लैंड होती है जिसे बटरफ्लाई शेप में कहते हैं वो सोइल होकर बड़ी हो जाती है और इन्लार्जमेंट ऑफ थायरॉइड हो जाता है जिसकी वजह से गला फूल के बाहर दिखाई देना शुरू हो जाता है ये बीमारी है ग्वाइटर जिसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन बिल्कुल नहीं निकलता इसका मेन कारण बताया गया कि आयोडीन की कमी होना जब आयोडीन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आयोडीन नहीं रहता है तो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है जिसकी वजह से ये ग्लैंड सोयल होकर बड़ी हो जाती है और इसी को हम ग्वाइटर कहते हैं ओके सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विद गुड कॉन्सेप्ट्स। ओके बाय बाय